तो गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल और बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को सिर्फ सिंगल क्लिक में कैसे बना सकते हो, आपको कोई साइजिंग का इशू नहीं है। क्योंकि जहां तक कि मैं एडोब फोटोशॉप की बात करूं तो वहां पे साइजिंग का और बैकग्राउंड रिमूव का, बैकग्राउंड लगाने का ऐसे बहुत सारे झंझट रहते हैं जो कि एक बिगनर्स को, एक्सपर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक बिगनर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने में। तो आज के इस वीडियो में उस बिगनर्स के लिए बताना चाहूँगा कि आपको लिए एक ऐसे AI वेबसाइट लेके आया हूँ कि जिस पे आपको सिंगल क्लिक में आप एक पासपोर्ट साइज़ बना सकते हो और उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना कीजिएगा। चलिए बिना समय का वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस वाले वेबसाइट पे आपको आ जाना है। और आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको सरफेस देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हमको क्लिक करना है पासपोर्ट फोटो मेकर पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का सरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको यहाँ पे एक अपलोड इमेज का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। अपलोड इमेज के सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो अगेन आपको एक अपलोड इमेज का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो सिस्टम है, आपके सारे के सारे कुछ आपको देखने के मिल जाता है। आप किसी भी फोल्डर में आपका फ़ोटोज़ हो तो वहाँ से आप इजी वे में आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। तो फाइनली मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, यहाँ पे ये वाली फ़ोटो को मैं अभी इसको पासपोर्ट साइज़ बनाने वाला हूँ। तो मैं इसको अपलोड करता हूँ तो हो सकता है कि आपका अगर इंटरनेट स्पीड अच्छा हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर स्पीड आपका मतलब देहात एरिया से होंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपलोड इमेज हो चुका है और यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा पासपोर्ट साइज़ का हो चुका है और यहाँ पे बैकग्राउंड भी ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इन्होंने मतलब ये वेबसाइट ही कर चुका है मेरे लिए। अब यहाँ पे आपको एक कलर का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जिस भी कलर पर आप टैप करेंगे वो कलर का यहाँ पर बैकग्राउंड ईजी वे में लग जाएगा। आपको जो पसंद आए आप उसे बदल सकते हो, उस कलर का आपको बैकग्राउंड रख सकते हो। अगर आपको कलर समझ में नहीं आए तो मल्टीपल कलर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, आपको वहाँ पे पूरा का पूरा हर तरह का कलर आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड बदल सकते हो। और वेबसाइट यहीं नहीं रुकता है, आपको नीचे क्लॉथ का सेक्शन देखने को मिल जाएगा कि अगर आप चाहे तो किसी भी फ़ोटो का आप कपड़े को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने भी इतने सारे यहाँ पे ड्रेसेस दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने इस वाले पे टैप किया तो यहाँ पे पहले वाले शर्ट देख सकते हो और अभी वाले शर्ट को देख सकते हो। तो मुझे ये वाली शर्ट कुछ अच्छी नहीं लग रही है, चलिए दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाई बेल्ट विद ब्लेज़र कितना मस्त लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे हम इसको टैप करेंगे और इस कदर चेंज होगा कि पता भी नहीं चलेगा कि ये ड्रेस पहन के खिंचाया है या फिर ऐसे AI द्वारा पहनाया गया है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त एडिट हुआ है फ़ोटो। इस पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो हमारी डाउनलोड हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको ऐसे डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है प्रिंट करने की। यानी कि मुझे एक पेज में अगर मैं पेज की अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो यहाँ पे हम 6x4 की बात करूँ तो यहाँ पे हम 6x4 को सेलेक्ट करेंगे और जो हमारी जो फ़ोटो है वो ऑटोमेटिक पासपोर्ट साइज़ में 8 फ़ोटो बन जाएगी। हम इसे ईजी वे में प्रिंट कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डन पे क्लिक करेंगे और इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारा साइजिंग देखने के लिए मिल जाता है, आप चाहे तो A4 में, 6x4 में, 3mm, 5 में, हर साइज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से हम डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाउनलोड HD पे क्लिक कर लेंगे और इसे हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं विदाउट एनी मेहनत की, हम अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।